अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ पता चला आपको कि बाहर क्या कुछ हो गया है आपके घर में? कामिनी और दामाद जी ने मिलकर सोनू को महुआ के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब से वो वहीं रहेगा। हम कुछ समझ रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर फिर से कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब हमारे मना करने से तो नहीं माने, आप ही कुछ सोचिए ना। ठीक है, अब हम खाना पीना छोड़कर यही सोचते हैं। बोलो क्या सोचना है, बोलो। हम तो कहते हैं सोचना क्या है, एक काम करते। क्या क्या कर रहे हैं आप, कुछ बताइए ना, क्या ढूंढ रहे हैं? बताते हैं। अशोक के बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए। हम कह रहे हैं सुनिए तो सही। हम कह रहे हैं तुम सुनो हमारी बात मालती, तुम चलो हमारे साथ अरविंद के पास। हम अरविंद से कहते हैं कि डंडा उठाए और अपने बाप से लड़े, या तो वो हमारा सर फोड़ दे या हम उसका सर फोड़ देंगे। उसके बाद कामनी और दामाद जी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। और अगर इससे भी तुम्हारा मन ना भरे ना, तो बोलो, हम जाते हैं यशोदा के पास, उसके पैरों में गिरते हैं, नाक रगड़ के बोलते हैं कि यशोदा जी घर वापस आ जाओ, ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। ये क्या हो गया आपको, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। कमाल करती हो मालती, अभी तुम्ही ने कहा ना कि सोचो, अब सोचा है तो कह रही हो कि ये क्या बोल रहे हैं आप। छोड़िए, आप छोड़िए, आपसे तो ना बात करना ही बेकार है। रुको मालती, ऐसा मत कहो मालती कि हमसे बात करना बेकार है। मालती, अब हमारी बूढ़ी हड्डियां थक चुकी है, अब हमसे और सहन नहीं होता। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़कर चार धाम की यात्रा करवाते हैं हमें, उस उम्र में हमारे बच्चे हमारा दम घोट रहे हैं मालती। इतना बड़ा घर, भरा पूरा परिवार, फिर भी हम वहां अकेले बैठकर खा रहे हैं। अब और तकलीफ सहन नहीं होती बाती। और एक बात कहे मालती, कभी अपनी शिकायतों के अलावा अपने पति के साथ बैठकर उसकी तकलीफ भी बांट लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ और चिंता का भार इतना बढ़ जाए कि हमारे दिल की धड़कन ही बंद हो जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिएगा। आइए बैठिए। सब आपकी वजह से ही हो रहा है, सबकी मम्मी अपने बच्चों को खुशियां देती है, लेकिन आप मुझे रुला रही है। जाइए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी आपसे।
आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पति हैं आप हमारे। लड़ना, मनाना, शिकवे शिकायतें तो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। हाँ, कभी कभी घर गृहस्थी के मोह में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, तो माफ कर दीजिए ना, लेकिन फिर कभी दोबारा ऐसे शब्द अपने मुंह पर मत लाइएगा। आपको हमारी कसम, आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें आपसे। बोल। यशोदा के पास घर का कोई सामान नहीं है, आप कहें तो उसका कुछ सामान उसके घर भिजवा दें। रक्षाबंधन का त्योहार है, उनका त्योहार भी मन जाएगा। भूली? सॉरी, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी तो लेट हो गया। तुम फिर आ गई? हाँ, आऊंगी ना, अगर कोई अपना मुसीबत में तकलीफ में हो तो आऊंगी। मैं भूली नहीं हूँ, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं होगी शायद, लेकिन अगर मुसीबत के समय में मेरे अपनों के लिए कुछ कर पाई, वही मेरे लिए बहुत होगा। तुमने नाश्ता किया है? यशोदा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ तो मत रखो ना रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत रखो। वैसे भी जब बनता है रिश्ता तो ये शर्त तो नहीं होती है ना कि रिश्ता तभी निभेगा जब दोनों तरफ से निभाया जाएगा। तुम मत निभाओ, मैं निभाती रहूंगी, मैं निभाती रहूंगी, क्योंकि मैं अब भी तुम्हें वही मानती हूँ गायत्री जो तुम पहले थी, मनोज भैया की बीवी, मेरी दोस्त। बताओ जल्दी, नाश्ता किया है या नहीं? चुप रहने से मैं चली तो नहीं जाऊंगी, तुम्हें बताना तो होगा, क्योंकि खाने के बाद तुम्हें दवाई लेनी है। बताओ। मैंने सुबह से ब्रश भी नहीं किया है, मनोज को कोई जरूरी काम आ गया था तो वो जल्दी निकल गए थे घर से। पहले ब्रश करवा देती हूँ, फिर गर्म पानी से हाथ पैर भी पोंछ लूंगी। बात कर लो, मैं ब्रश पेस्ट नहीं लेके आती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।